गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Carlo.in presents Saturday Stardom Live। हमारे लास्ट इंटरव्यू हमने आयशा रजा जी के साथ किया, जिनकी लास्ट वीक लक्ष्मी मूवी ने इंडिया में तहलका मचा दिया। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया में तहलका और क्या मचा रहा है। स्कैम 1992, अ हर्षद मेहता स्टोरी। इसमें एक गेम चेंजर रोल किया थिएटर के एक बहुत ही चुनिंदा एक्टर ने और वो रोल था सीतारमन का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर जैमिनी पाठक, हु प्लेड द रोल ऑफ सीतारमन इन स्कैम 1992, अ हर्षद मेहता स्टोरी। लेट्स कनेक्ट विद इट। जैमिनी पाठक, नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। Thank you for coming on Saturday Stardom Live and connecting all the audiences who are watching it live across the country. First of all, congratulations on the huge success of Scam 1992. Hansal Mehta ji ka hai. How are you? What's happening? Thank you very much. It's a pleasure to be on your program and to reach out to all the people that you have been reaching out to on a regular basis. Achha lag raha hai ki Scam 1992 has been so well received. और उसमें मेरी भूमिका को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो नेचुरली एक एक्टर को तो अच्छा ही लगता है जब ऑडियंस और खुद के पीयर्स जो होते हैं इंडस्ट्री के लोग होते हैं भी तारीफ करते हैं, दूसरे एक्टर्स तारीफ करते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। नो, अभी तो एवरीथिंग विल बी ऑन सेवेंथ हेवन, क्योंकि इट इज नाउ बीइंग रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मेड एवर इन इंडिया। ये कैसा टाइटल अच्छा लग रहा है? देखिए, ये खिताब तो दूसरे लोग देते हैं जी, तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसको टॉप आईएमडीबी ने किया है, फिर कुछ दो तीन और स्टडीज ने किया है जी। कहीं पे मैंने पढ़ा कि एक स्टडी है विच इवन टेक्स इनटू अकाउंट पायरेसी एंड सेज दिस इज द टॉप सीरीज। उन्होंने सारे स्टैटिस्टिक्स जमा करके फिर बताया कि नहीं, ये सच में टॉप है, सीरियसली टॉप है, एंड इट हैज बीन ब्यूटीफुली मेड, एंड योर कैरेक्टर एंड every character that we saw on the screen, they were so beautifully prepared, and I think unka pura talent ekdam nurture kiya gaya hai according to the script. ji bahut achhi tarah research kiya hai isko, kareeb 2.5 saal tak iski script likhi gayi hai, Sucheta Dalal aur Devashish Basu ki kitab mein se sara data nikal ke फिर इसको एक इंटरेस्टिंग सीरीज बनाना, एंड देन ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ हंसल मेहता एज डायरेक्टर। Yes. Who was मतलब उनको डायरेक्टर तो छोड़िए, he is the captain of the ship. He is amazing with people and he is amazing with his actors. और एक एक एक्टर के रोल को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया है पूरी सीरीज में कि I was not prepared for this kind of appreciation or praise. I am completely overwhelmed कि इस तरह का रिस्पांस मिला है सीरीज को और मेरे किरदार को। जी, आप we've seen you work as a playwright, director, producer and an amazing theater actor. How has this journey of yours been? I mean, you must have had your share of ups and downs. What was your breakthrough? मतलब how did it all start for you? देखिए, थिएटर तो मैंने कॉलेज में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मुंबई का थिएटर सीन इतना रिच है और इंटर कॉलेजिएट सीन भी इतना कॉम्पिटिटिव और इतना इंटेंस है, तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में था तो वहीं पर चालू हो गया था। फिर 19-20 साल की उम्र में पृथ्वी थिएटर में शोज करने लगा था। आई वाज लकी टू डू अ फ्यू वर्कशॉप्स, तो दुबे जी, सत्यदेव दुबे, सुधीर चांदबाग, नसीब चांद के साथ शुरुआत की। फिर धीरे धीरे लगा कि आई कैन एक्सपैंड माई टैलेंट्स टू डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, तो भी करने लगा। साथ साथ में उस वक्त थोड़ा टेलीविजन भी चालू हो गया था, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे, तो आई एक्चुअली हैड बिगन माय करियर एज अ प्रोफेशनल एक्टर इवन इन टेलीविजन एंड एड फिल्म्स, टीवी सीरीज वगैरह। लेकिन इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, क्योंकि क्या है कि मेरे लिए तो मेरा ये जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे कि वो गाना है जी, तो दिस इज व्हाट आई लव डूइंग और मैं यही करता हूँ और यही करता रहूंगा।
तो अप्स एंड डाउन्स को फर्स्ट ब्रेक इन टीवी मैंने एक सीरियल किया था फर्ज नाम का, डीडी मेट्रो पे आता था दोपहर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा गया था, बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट किया गया था। उस जमाने में टीवी की स्क्रिप्ट्स बहुत ही अच्छी लिखी जाती थी। There was a purple patch in television at a certain time. So उस वक्त बहुत मजा आया था टीवी करने में भी। फिर धीरे धीरे I started getting busy with my theater. बीच में थोड़ी एक दो फिल्में भी की, एडिट्स करते रहता था। और अब ये फिर से एक बहुत बढ़िया दौर निकला है, which is of OTT platforms and web series, जो finite series होती है। Yes. You know, तो उसमें मटेरियल पे कंट्रोल रहता है, अच्छी तरह रिसर्च करते हैं, अच्छी तरह कास्टिंग की जाती है। एंड द टॉप डायरेक्टर्स आर कमिंग हियर बिकॉज़ दे आर आल्सो उन्हें भी एक तरह की फ्रीडम मिल रही है। जो कहानियां वो शायद सिनेमा में या टेलीविजन में नहीं कह पाते हैं जी, वो यहाँ पे एक बड़े सटीक फॉर्मेट में वो कह सकते हैं। एंड मुझ जैसे एक्टर्स की फिर से जरूरत पड़ने लगी है इंडस्ट्री को। सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब pursuing acting was something that आपका हमेशा से विश था, या फिर कुछ और plans और ambitions भी थे कि भाई चलो acting नहीं चला तो एक आधा you know alternate path होना चाहिए। Actually मेरा पहला ambition जिंदगी में था कि मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलूं इंडियन टीम में। Okay. लेकिन वो जब मैंने बंबई आया, मैं अजमेर से, my father was posted in अजमेर in राजस्थान। Okay. तो जब हॉस्टल में रहने आया तो मैंने जब जाके शिवाजी पार्क और ओवल और क्रॉस मैदान पे थोड़ा क्रिकेट खेला तो मुझे पता चल गया कि मैं हूँ 17-18 साल का और 12 साल का बच्चा मुझसे अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो बहुत जल्द अकल ठिकाने आ गई थी। सो दैट ड्रीम डाइड अ वेरी क्विक एंड सडन डेथ। Okay. लेकिन मैं स्कूल में बहुत नाटक कर चुका था, स्कूल से निकलने से पहले ही करीब मैं 20 नाटक कर चुका था स्कूल में, फिर कॉलेज में भी कर रहा था। तो धीरे धीरे व्हाट वाज माय हॉबी, आई एम फॉर्चुनेट के विद अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड विद फॉलोइंग अप एंड विद गुड पीपल अराउंड मी, माय हॉबी बिकेम माय प्रोफेशन। यस। एंड अब तक चल रहा है मेरा, नाउ इट इज अ प्रोफेशन एज वेल एज अ पैशन। It's gone much beyond being a hobby. बड़े लकी लोग होते हैं जिनका हॉबी ही प्रोफेशन बन जाता है। आई थिंक हॉबी जो जिन लोगों का प्रोफेशन बनता है, दे रियली एक्सेल एट इट बिकॉज वो एकदम हार्ट एंड सोल से आता है। बात निकलती है जरा, और जैसा कि मैंने कहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो यू लर्न टू होपफुली टेक द अप्स विद द डाउन्स। जब तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, और जब कुछ आप अच्छा काम भी करें और वो नोटिस नहीं होता है तो कुछ दिन के लिए बुरा लगता है। बट आफ्टर व्हाइल यू लर्न टू मूव ऑन सिंपली बिकॉज़ यू लव द आर्ट एंड द क्राफ्ट एंड द प्रोफेशन सो मच। तो अभी क्रिकेट खेलना बिल्कुल छोड़ दिया या अभी भी कभी कभार टाइम मिलता है तो खेल लेते हैं? नहीं नहीं जरूर खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। अच्छा। हमारा एक ग्रुप है एक्टर्स का मुंबई में, थिएटर फिल्म एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले एक्टर्स। Okay. तो सब बड़ी कॉम्पिटिटिव तरीके से एवरीवन प्लेज, और जहाँ पे अगर क्रिकेटिंग स्किल कम हो तो एक्टिंग स्किल बहुत काम आ जाती है। That's a good one. जब अपील करनी हो और जब रन आउट के लिए कुछ मतलब अंपायर को डराना धमकाना, अंपायर को डरा दिया कि भाई सॉरी भैया, अच्छा काम होता है ये। बढ़िया। यू मेंशन्ड पृथ्वी थिएटर, तो you must have worked with Aisha ma'am and Kumud sir as well. Yes, हमने साथ में, in fact अभी तो Aisha जी के साथ एक मेरा नाटक चल रहा है। अच्छा। जिसके अभी फिर से थिएटर खोलेगा तो शोज होंगे। और Kumud जी के साथ कुछ साल पहले मैंने 2-3 नाटक किए हैं। हाँ, तो Aisha ma'am का हमने last week interview किया था and उन्होंने ही आपके बारे में बताया, worked very closely with you and it's very sweet of her. She's a really lovely person. Yes. और वो अपनी नैया तो चलाती हैं और साथ में अपने दोस्तों की नैया भी वो चलाने की कोशिश करती हैं। तो बहुत प्यारी बात है ये। I really like that. Apart from these people, you work with Nasruddin Shah Sahab, Akash Khurana, Vikram Kumar, and many so many others. How was your overall experience working with a very senior actor? And what was the one special or specific thing that you actually learned from them every time you came on stage or in front of the camera from them? Naseer sahab ke sath ab tak camera ke samne kaam karne ka to luck mila nahi hai, saubhagya mila nahi hai, lekin unhone mujhe ek natak mein direct kiya tha ji, aur wo jis shiddat se aur jis detail se apne character ko approach karte the khud aur karte hain,
वो जो थोड़ी छोटी मोटी टेक्निक्स है, अप्रोचेस है, जो वो बड़ी सहजता से हमारे साथ शेयर करते थे इस तरह से कि समझ में आए एक्टर को. नहीं तो क्या है, कई बार आपको ज्ञान मिलता है लेकिन उसको किस तरह से अप्लाई करें वो नहीं, दैट मे नॉट ऑलवेज बी इजी टू अंडरस्टैंड और टू इम्प्लीमेंट. राइट. तो वो मैंने उनसे सीखा कि वो इतनी सहजता से किस तरह से अपना किरदार, कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, खड़ा करना, वो तकनीक मुझे आज तक काम आती है जिस तरह से उन्होंने किया. Who is that one person जिनसे मतलब आपने मैक्सिमम सीखा है, लिटरली मतलब वो आपके एक गुरु हैं. आई एम श्योर यू, इट वॉज योर हॉबी एंड यू हैव डेवलप्ड इट ओवर द इयर्स, बट एक इंसान ऐसा होता है जिसे देख के लगता है कि भाई इनसे तो जितना सीख लो उतना कम है. Who was that one person? जी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है. Because all of them had their strengths naturally and all of them had were not so good at so at everything. तो जैसे मैंने सत्यदेव दुबे जी के साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बोलना और खड़े रहना और चलना सिखा दूं, उससे तुम्हारी एक्टिंग की दुकान शुरू हो जाएगी. Because those three four fundamentals you can never ignore all your life. So वो उनसे बहुत, उनसे एक तरह का डिसिप्लिन, उनसे रियाज करने का महत्व कि भाई जैसे संगीतकार, जैसे कोई गायक रियाज करता है जी, जी. या कोई क्रिकेटर है तो वो नेट्स में जाके रोज खेलता है 4 घंटा 6 घंटा. उसी तरह वो कहते थे कि आलसी सबसे प्राण आलसी अगर कोई प्राणी है इस दुनिया में तो वो है एक्टर, क्योंकि वो क्योंकि वो रियाज में विश्वास नहीं रखते. तो उनसे थोड़ा बहुत रियाज के महत्व के बारे में सीखा. फिर सुनील शानबाग का स्टेज क्राफ्ट और वो जिस तरह से एक्टर्स को यूज करते थे, जिस तरह से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका लाइटिंग का सेंस, उनका स्टेज डिजाइन का सेंस, ये सारी चीजें मुझे एज अ डायरेक्टर भी बहुत काम आई. तो ये इनसे सीखा. फिर रामू रामनाथन है जिनके बहुत सारे ओरिजिनल नाटक मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए हैं. उसमें से एक नाटक है महादेव भाई नाम का, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, महात्मा गांधी के महादेव साहिब जी, 25 साल तक उनकी डायरीज उन्होंने मेंटेन की थी ऑफ हिज लाइफ विद गांधी. तो हाँ, तो रामू रामनाथन ने ये मेरे लिए सोलो परफॉर्मेंस लिखा था और इसके करीब 350 शोज हो गए और अब भी मैं करते रहता हूँ. और ये नाटक उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, फिर इसका हिंदी अनुवाद हमने किया, फिर गुजराती अनुवाद किया. तो आई माइट बी दी ओनली एक्टर जो एक ही नाटक को 3 अलग भाषा में 2 घंटे तक सोलो परफॉर्मेंस करता है. It's been very, schools में बहुत shows किए हैं, सारे theater festivals में shows किए हैं, इसके colleges में show किए हैं, abroad भी थोड़े shows हुए हैं. तो ये कुछ 3-4 लोग हैं जिनके साथ मेरी journey काफी सालों से जुड़ी हुई है और हमारे paths intertwined रहते हैं हमेशा. थोड़ी देर कहीं और जाके काम करते हैं, फिर वापस आके पटरी overlap होती है, फिर हम जाते हैं and we always learn from each other, contribute to each other's art, to each other's lives. तो एक तरह का एक घरौंदा कह लीजिए इसे, घराना कह लीजिए. क्या बात है. वैसे जब ये स्कैम 1992 जो अभी सीरीज आई है आपकी, विच इज राइडिंग द वेव ऑफ सक्सेस इन इंडिया, जब ये पहले बार रोल आपके पास आया, हाउ वाज योर रिएक्शन टू इट? मतलब ऐसा लगा होगा कि ये मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन कि क्या रोल है ये? तो पहले तो गया था मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में, तो ऑडिशन भी बड़ा अच्छा हुआ. द लेडी वाज देयर, द कास्टिंग एसोसिएट, उन्होंने बड़े प्यार से मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे थोड़ा वक्त दिया प्रिपेयर करने के लिए, कि उनके सजेशंस. तो ऑडिशन अच्छा हुआ. और ऑडिशन से पहले मैंने पूछ लिया था कि कौन डायरेक्टर कौन है, तो जब उन्होंने हंसल मेहता कहा तो आई हैड माई फिंगर्स एंड टोज क्रॉस्ड. वाओ, बिकॉज आई एडमायर हिम अ लॉट एज अ डायरेक्टर. और उनकी जो जर्नी रही है वो भी, जैसे आप उतार चढ़ाव कह रहे थे, अप्स एंड डाउन, वो भी बड़े उतार चढ़ाव वाली उनकी जर्नी रही है. उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है, अच्छा सिनेमा बनाया है. तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम, और एक दो बार पास्ट में ऐसा हुआ भी था कि वी ऑलमोस्ट वर्क टुगेदर, लेकिन वो कभी जब उसका योग होता है तभी वो चीजें होती है, स्पेशली इन आवर फील्ड. तो मैं बहुत खुश था. Okay. और दोपहर को मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया और शाम तक हंसल साहब ने हाँ बोल दिया था. अच्छा. तो हाँ हाँ, बिकॉज बाद में उन्होंने मुझे बताया सेट पे कि वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हमें कुछ कोई मिल नहीं रहा था ढंग का, एज इन समवन अप्रोप्रिएट. यस. सो आई थिंक वो राइट टाइम राइट प्लेस मेरे लिए भी हो गया और उनके लिए भी हो गया. जी जी.
एंड फाइनली आवर डिजायर टू वर्क विद ईच अदर वाज आल्सो फुलफिल्ड. नहीं वो होता है ना, अगर हंसल मेहता जैसे लोग एक बार में मतलब इतने कम ड्यूरेशन में किसी को यस करें तो उनको यही लगता है कि भाई ये रोल और कोई कर ही नहीं सकता. आई एम श्योर दैट वाज अ रिएक्शन. जी जी. एंड आल्सो द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज, वंस ही डिसाइड्स टू वर्क विद यू देन ही हैज फुल फेथ एंड फुल ट्रस्ट इन योर कैपेबिलिटीज. एंड वो उसी तरह से फिर वो सेट के ऊपर भी बर्ताव करते हैं, उसी तरह से आपके ऊपर अपना फेथ रखते हैं, आपको छोटे मोटे सजेशंस देते हैं रिहर्सल करते वक्त. हर नो रिहर्सल इज द सेम. छोटे छोटे अलग अलग सारे एक्टर्स को बड़े प्यार मोहब्बत का एक माहौल होता है. पूरा यूनिट भी ऐसा ही था, जो डीओपी थे, जो पूरी टीम उन्होंने इकट्ठी की थी, बड़ा रिलैक्स्ड माहौल. लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि ढीला हो रहा है. बट देयर वाज वेरी लिटिल एंग्जायटी अबाउट व्हाट हमें करना है और ऐसा प्रेशर के इस तरह से, क्योंकि इनविजिबली अपनी टीम से काम निकाल लेना और फिर उसको टू पुट इट टुगेदर इन सच अ ब्यूटीफुल वे, वो अपने में एक बहुत महान कला है. हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता. नहीं वो एक्चुअली सोचते होंगे भाई मेरे को बंदा मिल जाए तो काम तो मैं निकलवा ही लूंगा. और आप जब काम कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट मुझे तो इतना कोई आइडिया नहीं था कि इतना उम्दा काम हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक्टर्स भी जो साथ में थे वो एक तरह का जैसे म्यूजिशियंस बैठते हैं और जैम करते हैं, जुगलबंदी करते हैं. करेक्ट करेक्ट. बिल्कुल उसी माहौल में एक्टिंग हो रही थी सारी, सारे सीन्स में. और बीच बीच में हंसल थोड़ी बहुत कुछ सजेशन देते, थोड़ी बहुत चाबी निकालते, हंसते खेलते सब हो रहा है. क्योंकि मैंने जब मेरा रोल कंफर्म हुआ था तो मैंने कहा था चलो मैं सारी स्क्रिप्ट मंगा लेता हूँ, दे देंगे शायद. तो उन्होंने 10 के 10 एपिसोड मुझे तुरंत ईमेल कर दिए. ओके. और जब मैं पढ़ने लगा और मैंने सारे एपिसोड पढ़े तो मुझे लगा कि ये तो इतना बढ़िया तरीके से रिसर्च किया, इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है. right. कि मैं बहुत एक्साइट हो गया. ऑफ कोर्स नथिंग हैड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस काइंड ऑफ रिसेप्शन दैट द सीरीज वुड हैव और दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दैट माय बुक वुड हैव. क्योंकि वो तो एडिट होने के बाद और फिर उसमें वो बैकग्राउंड म्यूजिक और वो टाइटल सीक्वेंस और बाकी सब लोगों का काम, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सिम्फनी. यू नो, एंड हंसल द डायरेक्टर इज द कंडक्टर ऑफ दैट ब्यूटीफुल 80 पीस 90 पीस ऑर्केस्ट्रा जो भी है. मतलब ये कुछ एक्यूलेट की आप बात कर रहे हैं. टू दैट एक्सटेंट आई हैव लाइक द शो दैट मच. मेरे फोन की रिंगटोन स्कैम 1992 का टाइटल ट्रैक है. And if you Google it, Scam 1992 का title track is the most downloaded ringtone right now in the country. जी, I have contributed to that also. अच्छा, you have the same part. Okay. जिंदगी में पहली बार मैंने कोई ringtone download किया, वरना जो भी phone में होता है वो मैं लगा के happy. क्योंकि एक तो इतना बढ़िया वो tune है, it is such an infectious tune. और दूसरा आई फेल्ट लाइक बीइंग रिमाइंडेड ऑफ द सक्सेस ऑफ माय वेब सीरीज ऑफ आवर वेब सीरीज. और होता यह है कि कभी मैं बाहर जाता हूँ तो ये रिंगटोन बजता है तो करीब 5-6 लोगों का हाथ जेब में जाता है, तो समझ में नहीं आता है. ये हो रहा है यहाँ, आई मीन दिल्ली. एंड ये दिल्ली में मेरे स्टूडियोज में भी कम से कम 7-8 लोग हैं जिनका सेम रिंगटोन है, तो एक बार बजता है तो सारे देखते हैं भाई किसका बज रहा है. किसका बज रहा है, तो मेरे साथ भी होते रहता है, बट अच्छा लगता है. वैसे जेमिनी भी वो 500 करोड़ गए कहाँ? आपने आपने रियल लाइफ में कभी किसी को बिना रिसीप्ट के पैसे वैसे दिए? अगर दिए तो कितने दिए? जी नहीं, मुझसे बहुत लोगों ने शायद पैसे ले लिए होंगे बिना रिसीप्ट के. क्योंकि मैं जरा कोमल हृदय का हूँ तो कोई आके थोड़ी बहुत अपनी सॉफ्ट स्टोरी सुना देता है तो मेरा हृदय पिघल जाता है. भैया रसीद वसीद देख लेंगे. नहीं, इस एक्टिंग इस रोल के बाद तो आई एम श्योर आप ऐसा कभी नहीं करेंगे. भाई रसीद ले लो पहले. Okay, now I have to be careful. So, you were there as a person working in a bank. So, you had to learn and go through those financial terminologies also? Thodi bahut, also my being an economics student, so thodi bahut accountancy. Achha, achha, naturally. Yeah, college mein maine BA kiya tha economics aur statistics mein. Ji. तो आई जस्ट हैड टू थोड़ा सा रिकॉल के क्या सीखा था, और कोई डाउट होता था तो आजू बाजू अपने सीए से या किसी से मैं पूछ लेता था कि इसका क्या मतलब है. ओके. तो समझा देते, क्योंकि वो एवरी लिटिल बिट ऑफ होमवर्क दैट यू डू हेल्प्स इन मेकिंग योर कैरेक्टर ऑथेंटिक. यस, वेदर इट शोज ऑन स्क्रीन और नॉट, लेकिन आपको एक आत्मविश्वास आता है कि आई हैव गॉट ऑल माय बेसिस कवर्ड, मैंने अपना होमवर्क किया है. जी, जी. तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपका होमवर्क आपको कॉन्फिडेंस देता है. जैसे वो जो मैं भाषा बोलता हूँ,
तमिल हिंदी जो बोलता हूँ या तमिल अंग्रेजी बोलता हूँ. तो मैं एक्चुअली आई हैड गॉन टू कोयम्बतूर अ कपल ऑफ इयर्स बिफोर आई बिगन शूटिंग फॉर दिस फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट. आई ऑल्सो वर्क अ लॉट विद स्कूल्स, उनके साथ मैं शॉर्ट स्टोरीज अडैप्ट करके या उनके लिए खुद नाटक लिख के उनके साथ काम करता हूँ. और ये कैरेक्टर भी कोयम्बतूर के अराउंड का ही था जो मैं कैरेक्टर प्ले करा. तो मैंने वो पूरा उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, उसको पूरा रिकॉल किया मैंने कि वो किस लहजे में बोलते थे, कि बोलते थे अंग्रेजी या हिंदी लेकिन सुनाई देता था जैसे तमिल बात कर रहे थे. तो इसको रिकॉल किया, फिर रियाज किया काफी इसको. फिर मैं जिस दिन सेट पे गया उससे पहले मैंने जाके अंसल को थोड़ा सुनाया. मैंने कहा कि ये ठीक है ऐसा करूं, तो उन्होंने कहा भाई तुमने अगर इसको यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट और तुमने रियाज किया है तो प्लीज गो अहेड. तो एक तरह से उन्होंने मुझे सशक्त कर दिया, कहा कि यार कॉन्फिडेंस दिया कि डू योर कैरेक्टराइजेशन. तो फिर आई वेंट अहेड थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज, फिर वो कपड़े उन्होंने इतने बढ़िया दिए हैं सारे 90s के, वो शर्ट और ऊंची वाली पैंट थी ना एकदम जो आपके पेट पे आप बांधते हैं, ट्रिपल प्लीट रहती है. ये लो वेस्ट वगैरह तो बहुत बाद में आया है. यस यस, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली. इतना इन डेप्थ छोटी छोटी चीजों की रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज व्हाट हैज मेड इट अ ह्यूज सक्सेस आई बिलीव. और वो एरा बहुत अच्छी तरह रिक्रिएट किया है. yes, yes. और वो आसानी है क्योंकि आजकल का वो बंबई खत्म हो गया है. करेक्ट, आपको हर जगह एड फिल्म्स के फॉर एग्जांपल एड्स मिलेंगे, तो मोबाइल फोन के बिलबोर्ड्स मिलेंगे. हाँ. बीच में कहीं मोबाइल फोन का टावर आ जाएगा. आपको वो प्रीमियर पद्मिनी वाली टैक्सीज नहीं दिखती है, यू नो, आप ओला उबर ये सब दिखेगा. वो लेक्सस वो मॉडल ढूंढ के निकालना जो हर्षद मेहता चलाते थे और वो लाना सीरीज में, राइट, या एक पुरानी मारुति एस्टीम या पुरानी मारुति 800, वो भी अब कहाँ दिखती है, मिलती नहीं है. मिलती नहीं है वो, दैट एरा इज गॉन. सो इट्स अ हार्ड टास्क टू डू और बहुत अच्छी तरह रिक्रिएट किया है उसको. If you you being a director, if you had to direct this show, तब आपका क्या plan होता, and probably who would you have casted in the role that you've played? Myself. बढ़िया है, बढ़िया है. I actually expected this response, but मैंने कहा ठीक है देख लेता हूँ कोई और alternate सोच दिमाग में चल रहा है कि नहीं. भाई आप ख्वाब बड़े देखेंगे तभी तो वो मतलब उसका कुछ आधा पौना मिलेगा ना आपको. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. आप ख्वाब ही छोटे देखेंगे तो फिर उससे 10 गुना कम मिलेगा. तो एम फॉर द स्काई, एम फॉर द स्टार्स. सुपर. टॉकिंग अबाउट, यू टॉक्ड अबाउट ओटीटी एंड थिएटर, हाउ डिफरेंट इज इट टू एक्ट इन अ थिएटर वर्सेस ऑन अ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज? व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील? वो एक्चुअली stage pe because you are playing live the energy and the style of performance needs to be slightly tweaked. It needs to be much more energetic, a little loud to ek loose term hai, lekin you just need to tweak your craft a little bit and of course projection jo aapki awaaz hai wo sab to usme thodi si shayad subtle hone ki possibilities kam ho jati hain stage mein. Whereas because the camera and because today even sync sound होता है तो the microphone is so sensitive और वो आपको wire कर देते हैं, आपको dubbing की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो you are capable of exploring in a very different sort of way where say realistic acting जिसे हम कहते हैं कि एकदम जो एक तरह का आपको लगे कि हूबहू यही इंसान ऐसा ही होगा. उस तरह का जो आप किरदार कर सकते हैं वो OTT में क्योंकि लिखा भी जाता है आजकल largely in that way. डायलॉग बाजी, जो एक डायलॉग बाजी का भी अलग मजा था जब वो दौर था हिंदी सिनेमा का, लेकिन अब जिस तरह से रियलिस्टिक लिखे जाते हैं डायलॉग, जिस तरह की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है और ऑडियंस को भी आदत हुई क्योंकि जो भी ऑनलाइन ऑडियंस देखती है इट इज वॉचिंग वर्ल्ड क्लास कॉन्टेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट, and it's a young audience, 15 to 35, 40, 45, a young audience. So the profile of the audience is also changing. So it's a very exciting time for an actor. कि आप अलग-अलग तरह से perform कर सकते हैं. और मेरे लिए तो क्या है, अगर मुझे 5 अलग तरह की performance और उसमें comedy हो और intense drama हो और सब कुछ तरह का करने को मिले तो मेरे लिए तो it's wonderful. It's a wonderful. Yeah. What more can an actor ask for? What more? Seriously, on a serious note, yes. That is something, वो एक fulfilling
एक फीलिंग अंदर से आ जाती है कि भाई बस ये सही जा रहा है, आपको खेलने को मिलता है, आपको खेलने को मिलता है। यस, यू कैन ट्राई आउट सो मेनी थिंग्स दैट आर विद इन यू एंड नाउ वी आर फुली फाइंडिंग एक्सप्रेशन, यू नो। राइट, ऑन दिस नोट वी विल नाउ स्टार्ट विद अ स्मॉल सेगमेंट जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड वन लाइन आंसर्स। छोटे से सेट ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें एक वर्ड और एक लाइन में आपने आंसर देना है। आर यू रेडी फॉर दिस? या तो एक वर्ड या फिर एक लाइन। हाँ जी, मैक्सिमम एक लाइन। अच्छा, डन। Okay. थोड़ा प्रेशर है, I'll try my best. ये सुपर ओवर है। ओके, योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? जहाँ साथ अच्छा हो और जहाँ लोग अपने साथ दोस्त हो, वही अपने लिए फेवरेट हो जाता है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? I really loved your performance for whatever room that is. Currently it's for Sitaram. Sitaram. In Scam. Your first personal favorite theater play? Aade Bhai, because I've done so many shows of it and because it's been such a good show. Mujhe lag raha tha ki that is what is coming. Bada personal hai. Personal. If you could travel back in time, which period would you go back to? Either to a period where I could have spent time with Mahatma Gandhi, or to the 60s in England or America. Oh yeah, beautiful. Everything growing beautifully. Favorite car? Favorite car? कभी ख्वाब है कि एक कभी कोई एक BMW खरीद लेंगे। अच्छा। इसी तरह की। I think it's a very well engineered car. So. Yeah. Do you believe in faith? FAITH, faith? Yes, do you believe in faith? One word, one line only. उसी पे तो दुनिया है। Beautiful. What is the one thing that you're most afraid of? Cockroaches. Okay. Invisibility or super strength? Neither. Nahin. Or both. ये बेटर आंसर था, दैट वाज अ गुड वन। मिले तो दोनों मिले, यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक से क्या करूंगा मैं। ओके, व्हाट डू यू फर्स्ट नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम? देयर आईज। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। डिफाइन थिएटर इन ओनली 3 words. और ऑडियंस। आयशा मैम यहाँ पे ना अटक गई थी। बच्ची ऑल्सो आंसर ब्यूटिफुलटर कैसे डिफाइन करूं मैं? चलो, दिस वॉज वन वर्ड वन लाइन आंसर। आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बिफोर वी गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। जैसे आपने देखा होगा कि दीज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट कई बार वो अपना यू नो पॉलिटिक्स दे चूज एज अ यू नो थोड़े टाइम बाद करियर में दे स्टार्ट चूजिंग पॉलिटिक्स एज एन ऑप्शन। तो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दैट? अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई मिनिस्ट्री वगैरह कुछ मैनेज करना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अगर कोई मौका दे तो जरूर आई मे गिव इट अ थॉट, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम दैट फील्ड एंड मे बी आई फील दैट आई मे हैव सम नॉलेज, सम बैकग्राउंड, सम एक्सपर्टीज टू ऑफर। लेकिन वो तो पॉलिटिक्स इज अ बहुत लंबा गेम है, उसमें बहुत समय देना पड़ता है। तो बट व्हाई नॉट, सिंस आप सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई नॉट। व्हाई नॉट, ऑब्वियसली। मैं अच्छा वैसे इफ आई वांट टू जॉइन थिएटर As an experienced person and a theater guru, मेरे को कितना time लगेगा? Theater किया हुआ है पहले? मैंने कभी कुछ नहीं किया हुआ, but I'm actually contemplating कुछ time से मैं सोच रहा था कि I don't know, let me try it out. आप दिल्ली में रहते हैं ना? जी। हाँ तो शुरू कर दीजिए, उसमें क्या है? शाम को चले जाइए थोड़े time के लिए, just go. मैंने देखा हुआ है, but कभी सोचा नहीं कि वहाँ भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, किसी के जो जो आप जिनके नाटक देखते हैं और जिनके नाटक आपको पसंद आते हैं जी, उनसे एक बार जाके बैकस्टेज मिल लीजिए,
बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई रोल तो तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन आप मेरे रिहर्सल में आ सकते हैं, तो जस्ट अटेंड रिहर्सल। मैंने भी उसी तरह से सीखा। अच्छा। मैं जब रिहर्सल्स में जाता था तो मैं बैठ जाता था और मुझे रोल नहीं मिलता था, बैकस्टेज करता था, लेकिन मैं पूरी स्क्रिप्ट रट लेता था, पूरा नाटक। ओके। जिससे कि कभी कोई एक्टर बीमार पड़े, कभी किसी की टांग घुटे, किसी का शूट निकल आए, कुछ निकल आए, तो मैं कोई भी रोल, मैं बोला मैं फीमेल कैरेक्टर भी मुझे याद है। ओके। मम्मी का रोल भी याद है, बेटे का रोल भी याद है, डैडी का, दादाजी, सारे रोल। ओके। बट उस माहौल में बैठने का एक अलग मजा है, तो जरूर जाइए, व्हाई नॉट। एंड थिएटर इज अ वेरी वेलकमिंग मीडियम इन दैट सेंस। ऑल यू नीड टू डू इज लैंड अप। सो दैट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस की मतलब नॉट जस्ट वॉच इट, डू गो टू द रिहर्सल्स व्हेन the entire cast is actually rehearsing about that play. इस माहौल में आप कम जाइए, अपने आप आपको जवाब मिलने लगेंगे, अपने आप आपको रास्ता मिलने लगेगा। Okay, ठीक है, I'll do that. Before we wrap up, this is the last question that I want. Any message that you want to give to the people who still are there struggling to get a breakthrough to different media platforms? Any message to the aspirants? खुद के साथ खुद के ऊपर काम करने की आदत डाल लीजिए। और लोनलीनेस थोड़ा बहुत आता है इस फील्ड में, क्योंकि योर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर पीपल बिकॉज इट इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें आपको जब तक एक रोल या किरदार मिलेगा, लेकिन जब अगर आपको वो जब योग आएगा, जब वक्त आएगा, इफ यू आर 200% प्रिपेयर्ड देन नोबडी कैन डिनाई यू योर प्लेस अंडर द सन। सो मेक इट अ हैबिट टू कीप वर्किंग अलोन। प्रयास करते रहिए, किताब उठ के पढ़िए, नाटक उठ के पढ़ते रहिए। सामने आजकल तो ट्राईपॉड मिलते हैं, हर फोन में अच्छा कैमरा होता है, खुद को रिकॉर्ड करिए। ऑनलाइन जाके लिसन टू एक्टर्स टॉकिंग अबाउट दैट क्राफ्ट। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है जी। डू वर्कशॉप्स, बी पैशनेट अबाउट लर्निंग। और कभी ना कभी द पर्सन ऑपोजिट द कैमरा और ऑपोजिट हू इज टेकिंग योर ऑडिशन विल सी दैट यू आर शाइनिंग, दैट यू आर रेडी। एंड वाओ, दैट्स योर बी लव योर आर्ट, लव योर क्राफ्ट। What a beautiful message. Seriously, that is, वो ये सिर्फ aspirant के लिए नहीं है, I think this message is applicable for everyone in every field of life. Just think, feel, eat, drink what you want to do. क्योंकि हमारा field भी ऐसा है कि कई बार आप सिर्फ end product को देख के चकाचौंध हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये film इतनी इतनी चकाचौंध कर रही है मुझे, तो शायद इसकी journey भी वैसी ही स्टार स्टडेड होगी, लेकिन वो जर्नी में एक्चुअली बहुत बहुत सारे नुकीले पत्थर और बहुत सारे कांटे और बहुत सारी मेहनत होता है। तो वो नट्स एंड बोल्ट्स को आप अप्रिशिएट जितना जल्दी करना सीख जाएंगे, उतना ही आपको मजा आएगा कि जो दिखता है उसमें बहुत 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 नट्स एंड बोल्ट्स जाते हैं। और ये तो it's just a matter of bit, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप रिहर्सल में जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आप रम जाएंगे उसमें, फिर आपको मजा आने लगेगा। Thank you. On this note, thank you so much for joining in, Gemini Pathak ji. It was such a lovely conversation we had, and I think जितने audiences अब इस वक्त देख रहे हैं live, they have loved this show, and I'm sure जो लोग थिएटर से ना भी जुड़े हुए हैं, आपने इतनी बढ़िया टिप दे दी है, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड एवरीवन। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। एब्सोल्यूट प्लेजर, द प्लेजर इज माइन। नमस्कार। सो दिस वॉज Gemini Pathak, जिनके साथ की हमने बहुत सारी इंट्रीगिंग और मजेदार बातें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सैटरडे एक और सेलिब्रिटी को लाऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे खूब सारी मजेदार बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।